तो देखिए हमारे आए हैं बालाजी के भगत। ये सुबह सुबह रोज ही आते हैं, कभी कुछ दे देती हूँ ना तो यहीं पर चिपके रहते हैं ये खिड़की के पास। तो ये सुबह आया था, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। आज तो एक ही दिख रहा है, नहीं तो खूब सारे आते हैं, दूसरी की छत पे बैठे हुए हैं और भी, लेकिन ये यहाँ खिड़की के पास बैठा था तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और कुछ ना कुछ दे देती हूँ, कभी रोटी कभी बिस्कुट रहता है वही हिसाब से दे देती हूँ। तो देखिए मैं इसको रोटी दे रही हूँ, ये आराम से खाएगा, देख सकते हो। मतलब इनको भी तो कितनी भूख लगती है ना, लेकिन कहाँ जाए, ये भी इनको भी कुछ ना कुछ देना ही चाहिए किसी को अगर ये पास में रहें। ये हमारे यहाँ पे बहुत है बंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बाहर जब हमारे बालकोनी में पहले हम प्लांट लगाते थे गुलाब का वगैरह, तो ये खा जाते थे, फिर वो होते ही नहीं, क्यों मुँह लगा देते हैं एक बार तो फिर वो प्लांट जल्दी से नहीं होते हैं। तो देखिए मैं इसको बोल रही हूँ हैंडसेट करो, तो लेकिन ये नहीं हाथ मिला रहा है मेरे से मैंने सोचा मिला लेगा, तो ये दोनों हाथों में ले रखा है, मुंह में खा लिया है और भी ले, देखो कैसे लेगा। मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं इसी हाथ से सब उठा लूं। तो मतलब जानवर को खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, गुड मॉर्निंग आप सबको। 8 बज रहे हैं अभी, तो मैंने पूजा कर ली है, नहाना धोना सब हो गया है, बच्चों को भी उठा दिया मैंने। तो बच्चा बेटी पढ़ रही है और बाबू अभी उठा है, वो नहा रहा है। तो आज रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि धूप है और है। पहले धूप इतनी थी, इतनी गर्मी थी, अभी अच्छा मौसम है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, मतलब मेरी बालकनी भी इतनी गंदी हो रही है, रात से पानी गिर गिर के वहाँ से भी साफ़ करूँगी। और पेड़ पौधों देखो, पेड़ पौधों को दिखाती हूँ आपको अच्छे से। देखिए बारिश बहुत हुई थी रात को, अभी जाके थोड़ी सी कम हुई है। देखो ये बालकनी पूरी गंदी होके गिरी पड़ी है, इसको साफ़ करूँगी मैं, देख सकते हो आप। तो ये मेरे पेड़ पौधों से मिलवाती हूँ मैं आज आपको, ठीक है? ये देखिए, मतलब ये शो है सब, कोई फ्लावर का कोई भी नहीं है, सब शो गच प्लांट है। यहाँ उड़ीसा में मतलब गच बोल देना तो वही नाम आ जाता है मुंह पे। तो ये देखो हवा से ना, ये लंबा है, इसमें मतलब ज़्यादा फैलता नहीं है, लंबा होके जाता है। तो ये देख सकते हो टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करना पड़ेगा। वो है मनी प्लांट, देखिए मैंने छोटा सा लगाया था मनी प्लांट, देखिए कितना बड़ा हो गया ये चारों तरफ से। तो मैं इसको देखूँगी कैसे क्या सेट करना है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये। तो यहाँ से बस साफ करूँगी क्योंकि पानी इधर का ना देखो बाहर से इधर आके पड़ जाता है बालकोनी में, तो यही साफ करूंगी मैं। बस वाइपर मारना है और कुछ साफ नहीं करना, वाइपर मारूंगी तो साफ हो जाएगा। देख सकते हो मौसम कितना सुहाना है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देख सकते हो आप। देखिए है ना, ये सुबह का टाइम है 8 बजे का, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो बस वाइपर मार दूंगी मैं, यहाँ वाइपर से ये सूख जाएगा, नहीं तो क्या होता है फिर बालकोनी में आए तो फिर गिले गिले में अच्छा नहीं लगता है, वाइपर मारने से ये सूख जाने के बाद ही अच्छा लगेगा। तो आजकल तो बारिश का मौसम है तो बस वाइपर और झाड़ू हाथ में ही रखो दिन भर, ऐसा ही चलता रहता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
हेलो, तो बस आज का व्लॉग एंड होने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ यही हैंकी, थोड़ी सी हैंकी टक लेके आई हूँ व्लॉग में। तो आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये मैंने ले जेंट्स हैंकी ली है, तो यही आपको टक करके मैं बताऊँगी। बड़ी हैंकी रहती है पास में तो बहुत आसानी रहती है, तो आप हैंकी लगाकर काम भी कर सकते हो घर में। थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इसमें थोड़ी सी डिजाइन कम बनेगी। तो व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज देखिए मैंने चोटी चोटी ऐसे बना के रखी है, मतलब नीचे से पूरी फोल्ड करके इसमें थोड़ा सा छोटा सा रबर लगा रखा है। तो मुझे लगा कि मुझे ये बस करके रखी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आपको कैसा लगे व्लॉग प्लीज़ व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग का कहते हैं एंड, बाय बाय।